हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल तबरेज मलिक। उम्मीद करता सब अच्छे से होंगे। इस वक्त तो मैं माल्टा में और माल्टा के एमसीडर चेयर के सामने खड़ा हूँ। दो ऐसे शख्स जिनके साथ मुलाकात के लिए बहुत सपना था, दो साल से हमेशा अक्सर, लेकिन वक्त नहीं मिला शायद इनको, और मुलाकात आज हुई। सर, आप लोग इतने सालों से यहाँ पे माल्टा में हैं, हमारे जो यंग जनरेशन है इंडिया में, आप 25 साल से हैं, आप 20 साल से हैं, हम लोग जानना चाहेंगे कि क्या स्ट्रगल रहा आप लोग का, और हमारे जो व्यूवर्स देख रहे हैं इंडिया के, खासकर ये एशियन नेपाली लोग, उनको क्या बोलना चाहेंगे? इतना साल हो गया आपको, आपका थोड़ा एक्सपीरियंस चाहेंगे हम शेयर करना। हम लोग पूरा लाइफ माल्टा में ही गुजार दिया अपने फैमिली के लिए, और माल्टा में ऐसा हम लोग जॉब मिला कि हम लोग एक ही कंपनी में रह गए, और रहने के बाद बस वर्क कर रहे हैं। अब कब तक घर जाना, वापस ही होगा, कोई ठीक नहीं है भाई। सर, आपको कितना साल हो गया यहाँ पे? मेरे को तो 18 साल हो गया जी। 18 साल हो गया दोस्तों, सुनना। और उस समय एक क्वेश्चन, इनको 25 साल हो गया। एक क्वेश्चन, स्मॉल क्वेश्चन आप लोग से, माल्टा के बारे में उस जमाने में कैसे मालूम? कुछ भी नहीं था, सिर्फ माल्टा था, कुछ नहीं था, एक चर्च दिखाई देता था, एक गार्डन भी नहीं था, ये कुछ नहीं था। जब मैं आया बॉम्बे से, कैसे आए? फ्लाइट थी? हाँ, फ्लाइट थी। जब मैं बॉम्बे से आया तो उस टाइम में बॉम्बे में वांट निकला था, तो जब भी हमको आने में कम से कम 5-6 महीना लग गया यहाँ पे, चूँकि कम्युनिकेशन हो रहा था कंपनी के साथ में। तो फिर 6 महीने के बाद जो है हम लोगों को कंपनी वीज़ा इशू किया, डायरेक्ट वीज़ा इशू किया, सब भेजा जी, और एकदम फ्री में हम लोग आया था। कोई पैसा नहीं। तो यहाँ पे अभी आप लोग मतलब टीआरसी होल्डर ही हैं अब तक कि पासपोर्ट होल्डर आप लोग? नहीं, हम लोग तो कंपनी हर साल होता है, लेकिन वो कंपनी सब हम लोग को देती है, सब कुछ कंपनी देती है। एक्चुअली हम लोग अप्लाई ही नहीं किया, और अभी टाइम ही नहीं मिला, कब टाइम मिलेगा? जिंदगी के जद्दोजहद में बस ऐसे ही चल रहा है, ऐसे ही चल रहा है, हर एक साल परमिट लग रहा है, कभी हम लोग ट्राई नहीं किया। ऐसे कोशिश करते तो मिल जाता, मगर अभी हमें को 2 साल का लगा कर दिया। यहाँ जो है बहुत ही अच्छा है, फ्रीडम है, कोई आपके ऊपर प्रेशर नहीं है। आपको भी सेम 18-20 साल हो गए? 25 साल हो गया दोस्तों, 25 साल। मैं ऐसे दो शख्स से मिलाया हूँ जो आज तक शायद ही किसी यूट्यूबर ने आपको मिलाया होगा। बहुत सर, थोड़ा सा मोटिवेशन। बहुत ही अच्छा है यहाँ पे, बहुत ही पीसफुल है यहाँ का माहौल जो है, और आप जो है कि किसी चीज़ के लिए कोई परेशानी किसी को खड़ा नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा यहाँ, चूँकि यहाँ का माहौल ही सब फ्रीडम है ना। कुछ ये है कि आपको भाई मेहनत करना है, कैसे कहीं भी रहेंगे तो आपको, जैसे कि गल्फ में मैं रहा, सऊदी में रहा, दुबई में रहा, कतर में रहा, ओमान में रहा, मगर वहाँ का वहाँ हमको अच्छा नहीं लगा। मगर जब माल्टा में आया तो उस टाइम में सोच लिया कि नहीं, माल्टा से कोई नहीं जाना है, माल्टा से सिर्फ घर ही जाना है, और कुछ नहीं जाना। बहुत सारे लोग जो हमारे व्यूअर्स हैं, यंग लोग हैं, यहाँ पे बहुत सारे आप सामने देख रहे होंगे, ये बाकी कंट्री क्यों भाग जाते हैं सर, थोड़ा आप बताइए लोगों को। अब बाकी कंट्री यहाँ से अगर अच्छा पैसा मिले वहाँ तो वहाँ जाएंगे। लेकिन आप देखिए, अभी आप लोग खुद जनरेशन बोल रहे हैं कि आप लोग उस जमाने के हैं जब अच्छा पैसा यहाँ मिलता है, सब कुछ सुकून है। एक्चुअली हम लोग ट्राई नहीं किए आगे जाने के लिए, हम लोग ट्राई नहीं किए, क्योंकि आगे हम लोग जाना, ठंड से मरने के लिए अच्छा है कि माल्टा का, यहाँ का माल्टा का जो है, क्योंकि कंपनी हम लोग इतनी अच्छी मिल गई कि किसी तरह की कोई परेशानी नहीं खड़ा हुआ, तो आगे सोचने की जरूरत नहीं है। देखिए, और सवाल वाली बात, टेक्निकल नॉलेज भी तो होगा ना आपके पास, यही तो मैं बोलना चाहता हूँ। आप डिप्लोमा होल्डर हम लोग हैं मैकेनिकल डिवीजन से, इसके वजह से जो तो होना जरूरी है ना, होना चाहिए टेक्निकल तो है। और दूसरी बात है कि यहाँ का कल्चर, यहाँ का जो वेदर जो है, वेदर बहुत अच्छा लगा, पूरे यूरोप में सबसे बढ़िया क्लाइमेट जो है यहाँ का, क्योंकि टूरिस्ट जो है समर में जो है इधर आते हैं, यंग आते हैं, और विंटर में बूढ़े लोग आते हैं यहाँ पे, तो विंटर वेदर के लिए बहुत ही अच्छा है, हद से ज्यादा अच्छा। कोई ऐसी चीज जो हमारे आप मेहनत करना, बिना मेहनत का भाई कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा बिना मेहनत का भाई। जब हम आए हैं तो काम तो करना पड़ेगा, और यहाँ जो है ये यहाँ का कल्चर ऐसा है कि आप अगल बगल में आपको कोई आदमी नहीं जानेगा, कोई भी नहीं जानेगा जॉब पर आ रहा है, अगर जॉब परफेक्ट कर रहा है तो उसको कंपनी भी ये करती है, लाइक करती है, चलो भाई इंक्रीज करती है, है ना। अगर जो आप जॉब पर आया है वो बताई कीजिएगा तो कोई भी कंपनी नहीं रखेगी। पहले काम सही से नहीं करोगे जी, तो प्रॉब्लम आपको बहुत आ सकता है। पहले जैसा नहीं है, अभी बहुत चेंजिंग आ गया है, बहुत चेंजिंग। पहले के रूल डिफरेंट थे, रूल बहुत डिफरेंस था, हद से ज्यादा डिफरेंस। सर, आप जिस समय आए थे उस समय ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऐसे ही हुआ करता था? नहीं, दूसरा ट्रांसपोर्ट था, ऐसा येलो कलर का एक बस था, उसका 45 सेंट सिर्फ पैसा लगता था। 45 नहीं, 45 जैसे यहाँ सलीमा हमको जाना है,
यहाँ सलीमा जाना है 45 सेंट लगता था उस टाइम में। सर अब पहले चलता था लीरा, क्या सैलरी में आप लोग आए थे उस टाइम में? देखे उस जमाने में देखे सब मिला जुला करके उस जमाने में भी बहुत बढ़िया था और आज भी बहुत अच्छा है। अगर आपको मैं इस तरह से बोल रहा हूँ कि अगर आप उस जमाने का सर यहाँ ऐसा नहीं है। अच्छा उस जमाने में भी यही था, थोड़ा सा डिफरेंस आया अच्छा। हुआ है, चाहे आप इंजीनियर हो, चाहे प्रोजेक्ट मैनेजर हो, चाहे आप लेबर हो, यहाँ एक स्टैंडर्ड है सैलरी का, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। अगर आप मैनेजर हैं और मैं हेल्पर है तो थोड़ा सा डिफरेंस रहेगा सिर्फ इतना ही। मैनेजर को भी काम करना है यहाँ पे, ऐसा नहीं कि वापिस में गए अपना कला, ऐसा नहीं है, उनको भी नहीं है, सबको करना है, हर एक आदमी को काम करना है। ये एक चीज़ यहाँ पे हम देखा, अच्छी चीज़ देखा। अगर आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, मैनेजर इंजीनियर आपके पास आ गया तो आपके साथ वो लग जाएगा, ये नहीं देखेगा कि मैं सूट पहना हूँ। नहीं, काम करता है यहाँ का जो बोरा हुआ है, ये चीज हमको बहुत अच्छा है। अगर देखा है काम फंस रहा है ना, वो खुद वहाँ पर खुद आगे काम में लग जाएगा वहाँ से। अच्छा, और मेहनत करे तो आपको बोलेगा तो नहीं लगेगा कि सम रेस्ट एंड आफ्टर यू कैन स्टार्ट। एक चीज हमने सुना है यहाँ पे हेल्थ के बारे में कि कभी कोई बीमार पड़ता है तो गवर्नमेंट पूरी टेक केयर करती है, पूरी टेक करती है, बशर्ते कि आपकी कंपनी अच्छी होनी चाहिए। अच्छा, अगर आपकी कंपनी अच्छी है, आपको सब इंश्योरेंस वगैरह दिया हुआ है, कुछ नहीं, जैसे कि मेरे को 2010 में या 12 में मेरे को हुआ था, टाइफाइड हो गया था और डायरिया भी हो गया था, मैं मतरद हॉस्पिटल में था, एक महीने तक था विथ सैलरी के साथ कंपनी पे की। ये सब हेल्थ के, हेल्थ के मिल रहा आप लोगों को, हेल्थ के मामले में बहुत अच्छा है, पूरा यूरोप में अच्छा हो गया, वेदर हो गया, सैलरी हो गया, हर एक चीज से मिलता अच्छा मिलेगा। बस सर देखो आपको मेहनत करना भाई, हम काम करने काम के लिए आए तो हमको काम तो करना पड़ेगा, मेहनत तो करना पड़ेगा। मैं आप लोगों का बहुत शुक्रिया अदा करता हूं, टाइम दिया, कोई बात नहीं, पहला ऐसे यूट्यूबर बन गया मैं जहां पे ऐसे इतने पुराने लोग मुझे, मैं सबको आप लोगों को बहुत दिल से धन्यवाद करता हूँ कि आप लोगों ने 5 मिनट दिया, 10 मिनट जितना कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हम भाई हमारे व्यूअर्स को बहुत अच्छा मोटिवेशन मिलेगा सर। अच्छी बात है, अच्छी बात है, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग हमारे चैनल पे आने के लिए। थैंक यू सर, खुदा हाफिज़। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू सर, थैंक यू। एक सेल्फी लेना चाहूंगा सर। ओके ओके।